जनपद में कोई भी पशु बीमार व भूखा ना रहे, इसके दृष्टिगत पशुपालन विभाग के द्वारा निराश्रित पशुधन भोजन एवं इलाज वाहन को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि ये वाहन जनपद में रोस्टरवार विभिन्न स्थानों पर जाकर सड़कों पर घूम रहे पशुओं के चारा एवं उनके इलाज की व्यवस्था करेगी और अधिक बीमार पशु पाए जाने पर उनको पशु आश्रय स्थल पर लाकर उनका समुचित इलाज भी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया कि अपने घरों के आसपास रहने वाले पशु और जानवरों को भोजन व पानी दें, जिससे लॉकडाउन में पशुओं को भोजन मिल सके। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, समय है और हम आजकल अपने घरों सुविधाजनक है ही, परंतु हमारे आसपास की गलियों, सड़कों और चौराहों पर रहने वाले कुत्तों, गोवंशीय पशुओं और पक्षियों के लिए भी बहुत कष्टकारी है। हम तो अपने खाने पीने की व्यवस्था कर ले रहे हैं, परंतु ये मेजबान जीव जंतु अपने आहार के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हम सब अगर अपने अपने घरों के आगे और छतों पर पानी और कुछ खाने के लिए रख दें या उन जानवरों को बुलाकर खिला दें, तो वो भी इस कठिन समय में भूखे नहीं रहेंगे। पशुपालन विभाग गोरखपुर आपसे अनुरोध करता है, आइए हम सब ऐसा करके इन बेजुबानों को भूख से मरने और बीमार होने के बजाय ऐसा करना तो असुविधाजनक है ही, परंतु हमारे आसपास की गलियों, सड़कों और चौराहों पर रहने वाले कुत्तों और रूट ऐसा बनाइए जिससे रिपीटेशन ना हो, एक ही रूट में दो गाड़ियां ना जाए, नहीं वो अलग अलग कुछ सर्किल बनाइए जिससे वो ज़्यादा पैटर्न हो। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव। कल सर आपके इससे सर वो दो लोग आए थे, आपकी भी गाड़ी आई थी, किसी को बैठने के लिए आई थी, आपकी गाड़ी आई थी सर कल जो है कि जहाँ फंस जाए वहाँ बताइए, लोग कैसे करा रहे हैं, पहले एनजीओ से कोशिश करिए। जी जी, जैसे अभी आज फोन पड़ रहा था कौन था मदद कर रहा है, ऐसे एन जी ओ बहुत आगे आ जाएंगे। जी 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 सर, दो लोग आए भी हैं, दो लोग आए नरेंद्र जी सर डिस्कवरी चैनल से हैं और मैडम आपको स्टेट साहब की ये पहल बहुत ही सराहनीय, बहुत सराहनीय, हम लोग भी करेंगे सर। अनुरोध ये है कि जो भी अगर हेल्प करना चाहे सर हमारे सदर हॉस्पिटल पर पहुंच जाए, वहाँ पे हम लोग वहीं पे रहते हैं सर। इसमें बैनर लगवा दीजिए, कॉन्टैक्ट ये गोरखपुर का पहल है। यहाँ तो कितने जंतु जानवर है खासतौर पे जो छुट्टा घूम रही है, किसी का जो ओनर नहीं है, उसी जानवर का ख्याल रखने के लिए हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कम्युनिटी किचन के जरिए से। अब यहाँ का जो हम लोग का पशुपालन विभाग है और यहाँ का दो तीन एनजीओ है, पेनेशिया वाले हैं और दो तीन लोग सहयोगी के साथ हम आज पहल किए थे। उस पर दो वाहन है, उस पर पूरा डॉक्टर का टीम रहेगा और जानवर का फीड रहेगा और इसके इलाज करने के लिए जो स्प्रे से लेके दवा से लेके सारे चीज़ रहेगा। साथ साथ तो प्रचार का वो भी व्यवस्था है, जो गली गली घूमते हैं प्रचार प्रसार भी करेंगे, ताकि इस समय में गर्मी बढ़ गया है, जानवर का पानी का भी किल्लत है और भोजन का भी व्यवस्था है, कहीं कहीं कुछ डिसीजेज भी स्प्रेड हो रहा है, इसी का ध्यान रखते हुए आज ये पहल किए थे। आपसे भी मेरा अपील है, कहीं आसपास कोई जानवर है वो बिना भोजन का बिना पानी का तरस रहा हो, उसको कृपया कर करके मानव दृष्टिकोण से उसको कुछ खिलाइए पिलाइए, उसको ज़िंदगी बचाना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है।